जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। मान्यता यह भी है कि प्रदोष व्रत करने से साधक और व्रत करने वाले के जीवन का हर दोष मिट जाता है। गुरु, प्रदोष व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके विवाह में अड़चने आ रही हों, वैवाहिक जीवन से सुख शांति छिन गई है। कहते हैं शिव और श्री हरि विष्णु दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। इनकी उपासना से भक्तों की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे माँ मुनि, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपके इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी जिसे नित्य प्रति भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दरिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ मुनि, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सांडिल मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी हो गई उस दिन प्रभात वेला में सैया त्याग शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें, फिर हाथ स्वच्छ कर पने हाथ में जल लें। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो पिवाम या स्मृत पुण्डरी काक्षाम सह भयाभयंतर सुचि। इस मंत्र से अपने देह पर जल का छींटा दें, पने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरपति, मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहकर जल को धरती पर छोड़ दें। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान परिधान धूप दीप नैवेद्य बिल पत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें। कैलाशपति जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बागम्बर धारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके बामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके अनंतर मंत्रों द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र वरुण कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के दुख हरता विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। ओम तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, भोजन करावे और आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है इसका एक वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। सौनक आदि ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह कथा अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं, यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः
ब्राह्मणी ने ऋषि के कथानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुंचे तो वहां उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किकोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह में पहुंचा, उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निहारने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गई और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गई। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस वन में आपका कैसे आना हुआ है? तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं, मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणि माला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता ना करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया, सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूजी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई सूची व्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या के योग श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिवजी की आज्ञानुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अनगिनत दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राजा पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई सचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिव जी का पूजन करेगा उसके दुख दारिद्र नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।